और इस बच्ची ने अपने रूम की सेटिंग भी चेंज की हुई है, तो वो भी देखेंगे कि इसने कैसे अपने रूम की सेटिंग की हुई है। तो ये क्या है? अक्सर ही का पेपर याद करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे 4 पेपर हो गए थे, इसमें से 2 पास और 2। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे हमारी तरह। और अभी जो है शाम हो चुकी है, शाम का वक्त है। मैं ऑफिस से आ गई हूँ, बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और फिर सब सो गए थे। अरसलान जो है वो अभी भी सोया हुआ पड़ा है और महनूर भी अभी जागी है। मैं भी कुछ देर पहले जागी हूँ। हाँ, ऊपर वाला पोर्शन जो है वो महनूर ने जो है साफ़ वगैरह कर लिया है, बाकी हमारी सफाई चल रही है। मेरा रूम सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि वो कहते हैं ना, ज़्यादा रश जो है हमेशा माँ के घर में, माँ के रूम में होता है। तो मेरे रूम की सफाई मैं और महनूर जो है अभी इकट्ठे करेंगे। और चूंकि मैंने अपने रूम के कर्टन्स, उस दिन मैंने कहा था कि मैं धो के वापस लगाऊंगी, तो कर्टन्स अभी नहीं लगे हैं। और आज मैं आपको अपना पूरा घर भी दिखाऊंगी कि सब बच्चों के रूम क्या। ओके जी, देखते हैं महनूर का रूम। और इनको अच्छा है, मैंने कहा है कि आप लोग, ये कैट अब मेरे पाँव में आ रही है। अला बैठ कहाँ है? बैठ क्यों हटा है? बैठ किधर गया? चाको चोको। और इंशाल्लाह नीचे पोर्शन अभी अम्मा साफ करेगी। अम्मा नहीं साफ करेगी, अम्मा कर्टन्स लगा रही है। वो कर्टन्स किधर हैं? वो आपसे नहीं हो पाएंगे। अच्छा, ये जितने भी दुपट्टे हैं ये अलमारी में रखो, लाइट ऑन करो। हाँ, और ये जगह, और यहाँ से मैंने कंबल हटा दिए सारे। क्यों? क्योंकि मुझे ये साफ चाहिए। हाँ, अब ठीक है। और एक बात कहनी थी, कंबल कहाँ रखे हैं? ऊपर? ओ, मैंने ऊपर रखे। ठीक है, ये दुपट्टे सारे अलमारी में हैंग करो अंदर। ये कर्टन्स नीचे लेकर जाओ। और सनी अभी नहाएगा, धोएगा और खुद को साफ करेगा, नहीं तो मैंने खुद इसको नहला। कहाँ पे आग लगी है? बुलवार में। ये तो मैं नहीं मानती, अगर अभी न्यूज आ गई तो इसका मतलब है कि सनी सच बोल रहा है। खुद ही चल के देख लो। चलो ठीक है, जाओ नीचे, ये कर्टन्स ले जाओ, कर्टन्स लगाते हैं। मैं लगाती हूं। लेकिन ये रूम बड़ा था, इसमें बेड रखना चाहिए था। नहीं, बेड अब हमारा हो गया है, वो मैं सर्दियों में लाऊंगी। सर्दियों में आपको कोई नहीं दे रहा, क्योंकि एक दफा जब अरसलान उसको यूज करना स्टार्ट करेगा वो दोबारा, हाँ वो दोबारा नहीं देगा। अच्छा अच्छा, ये इधर आओ, ये मैले कपड़े यहाँ पर मत रखा करो। इस लड़की को मैंने 1000 बार समझाया है लेकिन वापस ये मैले कपड़े सारे लाके यहाँ पर डाल देती है। ये जाके ऊपर वॉशिंग मशीन में डाल कर आओ, जल्दी करो, सब्र करो, मैं देखूँ ये भी मैला है कि नहीं। ये साफ है?
तो मेरा ये परफ्यूम महनूर ने चुराया हुआ है, ये मेरे बैग में पड़ा होता है क्योंकि ये छोटा भी और मुझे बहुत पसंद है, और ये इस लड़की ने लाके अपने रूम में रखा हुआ है। तो ये महनूर का रूम है, बेड पता नहीं क्यों इसने यहाँ से हटा दिया है, और अच्छी बात है इसने सेटिंग कर ली है। ये सारे मैले कपड़े हैं। हाँ, ये जिन गली में प्याज वाला आया था उससे मैंने सब्ज़ी ली थी, तभी मैं ये बॉटल्स जो है वो भर के फ्रिज में भी रखनी है। लाइट्स ऑन कर लेते हैं। इस घर का किचन बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ही ज़्यादा छोटा है, लाइक इसमें कोई जगह ही नहीं है ना, इसलिए हमारी कुकिंग जो है वो ऊपर थर्ड फ्लोर पर होती है। रोशी को खाना है पिज़्ज़ा और कह रहा है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है और साथ में रोल्स खाने, अरबिक रोल्स खाने इसको। ओके, पिज़्ज़ा और अरबिक रोल्स, तो रोशी के लिए मंगवाते हैं पिज़्ज़ा और अरबिक रोल। बस ये कि मैं कुकिंग से आज बच गई हूँ, तो ये हमारा डिनर होगा और ऑर्डर मैंने दे दिया है जो कि अभी 50 मिनट्स में अभी आ जाएगा। तो रोशी खाओगे? ओके, भूख लगी है तुम्हें? अच्छा, नॉर्मल है अभी, ठीक है। और फाइनली हमारा ऑर्डर आ चुका है, महनूर अभी जाएगी रात को। ये फ्रिज सही बंद नहीं होता, इसकी ये रबड़ ख़राब हो चुकी है, और मैंने बात की थी कंपनी वाले से तो उन्होंने कहा कि ये मॉडल काफ़ी पुराना हो गया है, इसलिए ये वाले मॉडल इसके रबड़ अब नहीं आते। सुशु और कर्टन्स मैंने अभी तक नहीं लगाए, ये मैं भी लगाऊंगी। और बच्चे मेरे ऐसे ही सो गए हैं, अरसलान भी सोया हुआ पड़ा है और सनी भी सोया हुआ है, तो अभी हम डिनर करेंगे। हंड्रेड वर्क का ना पर्स की मम्मा आती थी ना, आज 200 के। हाँ आओ आओ, वो छोड़ ना मल्कि प्रशांति जी। अच्छा, ये पूछ रहा है ब्लैक कलर की पेप्सी लाऊं या वो ड्यू लाऊं ग्रीन कलर की। महनूर साथ चली जाओ, साथ जाने पड़ेगा, जाओ चली जाओ, मैं तब तक ये खोल लेती हूँ, चख लेती हूँ। ये चख लेती हूँ कि कैसा है। अच्छा, बाइट होता है, चखना नहीं होता। ओह माय गॉड, इट्स लवली। महनूर लोग गए हैं कोल्ड ड्रिंक लेने, और मैं ग्लास लेके नीचे चली जाती हूँ। इस बार मैंने ये प्लास्टिक के ग्लास लिए ताकि बच्चे तोड़े नहीं, लेकिन इसके बावजूद जो मैं अपनी फेवरेट ग्लास लाई थी वो पहले से ही इन्होंने तोड़ दिए हैं। तो ये नीचे लेके जाते हैं। हम तीन बंदे हैं, महनूर, मैं और रोशन, और सनी और अरसलान तो दोनों सो चुके हैं। जैसे खा रही हो उसी तरह से खाओ, मुंह मत छुपाओ। अजीब जानवर है, जितना भी खाए इसका। और मेरी पेप्सी यहाँ पर गिर गई है, ये डब्बा उठाओ जल्दी। चलें इसको साफ करते हैं। ना तो हाय गाइस, ये बता नहीं जाए किसी मरीज को क्राउन पिज़्ज़ा। ओह माय गॉड, ये स्पेशल मेरे लिए आया।
सारा हाफ ले लूं। हम सब ने खाना खा लिया है और अरसलान अभी जागा है, ये अपना गेम भी कर रहा है और साथ में ये पिज़्ज़ा भी खा रहा है। हेलो अरसलान। हेलो। तो इतना लेट जागे हो तो अभी सोओगे किस टाइम? रात। सुबह स्कूल भी जाओगे तो टाइम से सो जाओ। अच्छा मैं जो है आप लोगों को जैसे मैंने कहा था मैं अपने घर का किचन दिखाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा छोटा है, बाहर गली में सारा अंधेरा हो चुका है। और आते हूँ, ये मेरा बहुत ही छोटा सा किचन है इस घर में और इसमें से ही ज़्यादा बर्तन रखने की जगह नहीं है, बस जो भी यहाँ पर स्टोर होता है मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी पूरी की है कि यहाँ पे हर एक चीज़ जो है वो रख दी जाए, लेकिन यहाँ पे कुकिंग नहीं हो सकती। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना कोई विंडो है ना कुछ जगह बनी हुई है, तो यहाँ पे कुकिंग करना बिल्कुल ही नामुमकिन है। और इसके ये जो शेल्फ हैं ये भी बहुत छोटे छोटे बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, तो ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं आ सकती हैं। लेकिन कोशिश की है मैंने, कुछ चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं और कुछ बाकी का सामान कुकिंग वगैरह का ऊपर है जो कि मैंने कल आप लोग को शायद बताया था। तो बस यही सेटअप है, इसके नीचे मैंने कुछ बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं और बाकी का सामान यहाँ पे एक स्टोरेज के लिए एक छोटी सी कबर्ड बनी हुई है यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो बच्चे मेरे साथ ही रूम में सोते हैं, तो मैं ऊपर के ये रूम्स जो हैं वो बंद कर देती हूँ। वैसे इतनी गर्मी नहीं है कि एसी लगाना पड़े, लेकिन आपको पता है आजकल के बच्चे तो मैंने भी शावर ले लिया है और मैं अब सोने लगी हूँ क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजना है और मैं तब तक मेडिसिन लेके सो जाती हूँ। और सलान मुझे एक गिलास पानी दे दो, एक गिलास थोड़ा सा कंगालो और कूलर से मुझे एक गिलास पानी दे दो ताकि मैं अपनी मेडिसिन खा के सो जाऊँ। ये जनाब बच्चे सो गए हैं सारे, मैं भी आप सबको करती हूँ बाय बाय। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।